हेलो साथियों, एक और नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सर्वप्रथम आप सभी को हमारे तरफ से सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार से नए नए वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक सिर्फ कांफी राम के बारे में। हमारे पहले पार्ट में हमने उनके जन्म के बारे में बताया था, आइए आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, कांफी राम के वे सभी नारे जिन्हें लगाते वक्त वाह कहते हैं। साथियों, कांफी राम साहब के वह सभी नारे जिन्हें लगाते वक्त वाह कहते हैं। कोई ऊंची जात अगर वहाँ पर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति हो तो वह वहाँ पर चला जाए, वहाँ से चला जाए। देश में दलित नेताओं के नाम। साथियों, दलित नेता के रूप में प्रसिद्ध साहब कांसीराम के बारे में बताया जाता है कि देश में यदि दलित नेताओं के नामों की जब भी चर्चा शुरू होती। साथियों, हमारे देश में जब भी दलित नेताओं के नामों की चर्चा सुनी जाती है तो उसमें दो ही लोगों का नाम सबसे पहले आता है, जिसमें पहले हैं बाबू जगजीवन राम तथा दूसरे हैं कांसीराम। कांसी राम की पहचान ना सिर्फ बसपा के संस्थापक वे साथियों जो साहब कांसी राम हैं, उनका पहचान सिर्फ बसपा पार्टी के संस्थापक से नहीं है, बल्कि दलित उत्थान के लिए दिए गए उन सभी नारों से है जिसे लेकर आज तक हंगामा हो रहा है। साथियों, उन नारों की कहानी क्या है और उन नारों का असर क्या पड़ा, आइए हम आगे पढ़ते। साथियों, ऐसे नारे क्यों देने पड़े थे कांसी राम को? आज के समय में राजनीतिक किरदार में उन्हीं नारों की बात सबसे ज़्यादा की जाती है। आइए साथियों, हम बारी बारी करके सभी नारों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो पहला है उसे हम आप लोगों को बता रहे हैं। संस्थापक बीएसपी पार्टी के संस्थापक साहब कांसी राम। साथियों, पहला हमारा कि जो साहब कांसी राम थे वे भले ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह चिंतन करने वाले एवं बुद्धिजीवी ना हो, लेकिन इस नारे में कई तर्क दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कांसी राम ही थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की महत्वपूर्ण